टॉपिक ट्रांस इफेक्ट कैसे होगा, क्या होगा ट्रांस इफेक्ट कोई नहीं जानता। तो मेरे बच्चा पार्टी, ये आपके लबों पर आए या ना आए, इसको अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर लेना कि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिखे व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, तो हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो बच्चा पार्टी, मैं आपका अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके खूबसूरत से परिवार कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। अब ट्रांस इफेक्ट कैसे होगा, एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के बाद हम बात करेंगे कैसे यहां पर इन सिंथेसिस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांस इफेक्ट का यूज होता है, क्या हमारी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप की सीरीज होती है और क्या थ्योरीज है ट्रांस इफेक्ट की। हमारा लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम दो वीडियो हमें लगेगी इसको कवर करने में। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स और मेरे बच्चा पार्टी हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और जो करंट में हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इन सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट, सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप पहले वाले लेक्चर में बच्चा पार्टी देख सकते हैं। मेरे बच्चा पार्टी, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ट्रांस इफेक्ट की अगर बच्चा पार्टी में बात करूंगा, तो ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट टू इटसेल्फ। पहले तो ये ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट टू इटसेल्फ, खुद के ही अपोजिट होना। यानी कि अगर मैं इस रूम में सेंटर में बैठा हूं और मैं उस कॉर्नर की बात करूंगा ऊपर वाले की, तो बिल्कुल सामने वाले के नीचे वाले कॉर्नर के बराबर होगा। तो ये होता है हमारा ट्रांस इफेक्ट, अपोजिट टू इटसेल्फ। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मेटल्स कॉम्प्लेक्स की, लिगेंड्स की बात यहां पर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर हम स्टडी करेंगे प्लेटिनम स्टैकिंग कॉम्प्लेक्स की। रीजन, ये स्टेबल होता है सर, यही बार बार जब यूज कर रहे हो तो रीजन भी लिख लो, ये हमारा स्टेबल होता है, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स हमारे स्टेबल होते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर बार बार प्लेटिनम के ही एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। अब ट्रांस इफेक्ट की हम डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके एक दो एग्जांपल देखेंगे और फिर चलेंगे हमारी सीरीज की तरफ। तो मेरे बच्चा पार्टी, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ, या आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर होगा। द एबिलिटी ऑफ अटैच ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ अटैच ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एबिलिटी है अटैच ग्रुप की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ट्रांसपोजिशन, इनटू ट्रांसपोजिशन, कोई भी अटैच ग्रुप है इनटू ट्रांसपोजिशन, इट्स कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। हम आपको एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद ही मैं इस डेफिनेशन को आपको क्लियर करूंगा। अब तो इसको एक बार नोट कर लीजिए कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। अब एग्जांपल हम करेंगे तो वहां पे हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी, मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो हम यहां पर सिंथेसिस करेंगे, मैं एग्जांपल में समझाता हूं आपको। हम यहां पर पीटी NH3 और CH2 कॉम्प्लेक्स हमारा, यहां पर हमारा प्लेटिनम के ऊपर मेरे बच्चा पार्टी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी, हम इसकी सिंथेसिस करेंगे लेकिन दो अलग तरीके से करेंगे। अब दोनों तरीके हमें सीखने हैं,
पहले मैं आपको तरीके समझाता हूँ और आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। जो लिखने का है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है आएगा, ये ट्रांसक्रिप्ट आपको क्या लिखना है, मैं उस तरीके से आपको करवा रहा हूँ। अब इसको मैं बच्चा पार्टी प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है, कितने मेथड है, दो मेथड, दोनों मेथड हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा हमारे पहले मेथड की, मेरी जरूरत है पार्टी पहले मेथड में फ्रॉम पीपी NS34 टू पॉजिटिव से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें चारों के चारों जो लिगेंड है यहां पर आइडेंटिकल दिए गए हैं, इन आइडेंटिकल लिगेंड का यूज करके हमें यहां पर दो हटाकर यहां पर दो क्लोरीन लगाने हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले तो आप इसको बना लीजिए, लीजिए क्लोरीन NS3 और ये लीजिए NS3, ठीक है, और यहां पे एक प्यारी सी ब्रैकेट लगा लेना, टू पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज हुआ, ये है बच्चा मेरे टेट्रा अमीन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है। और हमें बनाना क्या है, ये होगा बच्चा हमारा डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, इसका भी याद रखना डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम हमें बनाना है, हमें क्या दिया गया है टेट्रा अमीन प्लेटिनम हमें दिया गया है, तो इससे हम कैसे हमारा पहला प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी यहां पर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, देखिए पहला चक्र हमारा होगा क्लोरीन को ऐड करना है और एक NH3 को बाहर निकालना है। अब आप एक बात मुझे खुद बताइए, क्या यहां पर पहले स्टेप में हमारे पास चार के चार जो लिगेंड है, देखिए चारों के चारों लिगेंड सेम है, तो कोई भी लिगेंड को आप रिप्लेस कर दीजिए सीएल के साथ, ये लीजिए ये रहा प्लेटिनम, मैंने माना यहां पे हमारे पास चार लिगेंड हो गए, ऐसे इसको बना दीजिए, ठीक है। और हमें करना क्या है, एक NH3 हटाना है, तो मैंने मान लिया मैं नीचे वाला जो NH3 है इसको हटा देता हूं, यहां पे मैंने सीएल लगा दिया, कोई भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा NH3 है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, यहां पर भी हमारा NH3 है और यहां पर भी हमारा NH3, तो अपने स्पेस के हिसाब से लिख लेना। अब देखो पहले दो पॉजिटिव चार्ज था, अब सीएल पर एक नेगेटिव अंदर आया, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहां पर +2 से +1 आ जाएगा। पहले स्टेप में हमारे चारों के चारों लिगेंड सेम थे, तो हमने एक क्लोरीन को एक अमोनिया को रिप्लेस कर दिया एक क्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन हमने लगा दिया यहां पे, तो दो NH3 होने चाहिए दो क्लोरीन। अब यहां से हमारे पास दो पॉजिटिविटी बनती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में भी हमें सीएल ऐड करना है और NH3 निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे भी हमें सीएल ऐड करना है और बच्चा पार्टी हमें NH3 निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, मैं दो मिनट में बना देता हूं। प्लेटिनम ये लीजिए, पहला हमारा ऐसा आएगा यहां पे, और साथ में मेरे बच्चा पार्टी एक और बन सकता है, मैं आपको दोनों समझाता हूं कैसे बनेंगे। हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है यहां पर, एक हमारा सिस होगा एक हमारा ट्रांस होगा। देखो पहले में तो चारों लिगेंड सेम थे, सीएल आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दिक्कत है कि सीएल को लगाए कैसे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं सीएल की यहां पे बात करूंगा, तो हमारा ये वाला ग्रुप है NH3, अब ये ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है, NH3 क्या शो करेगा, ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। NH3 का क्रोनिकल वो सेम सा होता है, दोनों सीरीज में एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो हमारे पास दो कंडीशन हो जाएगी, हमारा एक सीएल यहां पे लगा दीजिए जो अपकमिंग है, पहले वाला सीएल यहां पर था, हमारा NH3 यहां पर है और NH3 यहां पर है। अब इस सीएल ने ट्रांस इफेक्ट शो किया, इस NH3 को बाहर निकाल दिया और यहां पर सीएल ऐड हो जाएगा, एक तो केस होता है मेरे बच्चा पार्टी ये। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, सीएल हमारा यहां पर था, दूसरा सीएल हमारा यहां पर आ जाए और NH3 ऐसे कैसे रह जाए, तो ये तो मेरे बच्चा पार्टी हमारा ट्रांस प्रोडक्ट और ये है हमारा सिस प्रोडक्ट, और यहां पर ट्रांस ज्यादा बनता है, ये बात याद रखिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मेथड 1 को,
हमारे पास प्रीटी NH3-4 दिया गया है, चारों NH3 लिगेंड सेम है, हमने एक CLN किया, कहीं किसी एक को भी रिप्लेस आप कर दीजिए। लेकिन जब आप सेकंड स्टेप में जाओगे, दोबारा से CLN करोगे, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको एक ट्रांस मिलेगा और एक सिस दोनों बना देना। अब याद रखना कि यहाँ पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकता, ट्रांस यहाँ पर ज्यादा बनेगा, मैंने आपको बता दिया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, डाटा गिवन होता है, डाटा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम NH3 से स्टार्ट करते हैं, चार के चार NH3 लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांस ज्यादा मिलेगा। अब सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, ये देखिए, फ्रॉम पीटी CL4 टू पॉजिटिव, पीटी CL4 टू नेगेटिव में बचा पार्टी, CL2 नेगेटिव जाएगा, ठीक है, ये लो, ये लीजिए पीटी, ये लीजिए पहला सीएल, ये लीजिए दूसरा सीएल, ये लीजिए तीसरा सीएल और ये लीजिए चौथा सीएल, ठीक है, यहां पे दो नेगेटिव चार्ज हैं। पहला स्टेप होगा NH3 को ऐड करना और सीएल को बाहर निकालना। वक्त खुद सोचिए, चारों लिगेंड सेम है, ठीक है, चारों लिगेंड सीएल सेम है ना, तो आप किसी भी एक सीएल को रिप्लेस करके यहाँ पर NH3 लगा दीजिए। देखिए जैसे मैंने यही वाला सीएल मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर NH3 लगा देता हूँ, ये लीजिए NH3 और बाकी सीएल हमारे सेम रहेंगे। ये तो हमारा पहला है। अब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ और बचा पार्टी, तो यहाँ पे -1 चार्ज हो जाएगा, पहले -2 था, अब -1 चार्ज के ऊपर आ चुके हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा वही है, हमें एक NH3 और ऐड करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें एक सीएल और निकालना है। जब आप NH3 लेकर चले थे चारों के चारों, तो आपको मिला था ट्रांस, अब चार के चार सीएल लेकर चल रहे हो, तो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, सिस में ज्यादा मिलेगा। तो देखिए सिस में कैसे होगा, हमारा पहला प्रोडक्ट होगा पीटी, यहां पर भी आप NH3 लगा दीजिए, यहां पर भी आप NH3 है ही पहले से, और यहां पर दो सीएल है, ये वाला सीएल और ये वाला सीएल, यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये बना हमारा सीस। अब एक बन जाएगा हमारे बच्चा पार्टी ट्रांस, पीटी सीएल सीएल, यहाँ पर NH3 था, एक NH3 आप और लगा दीजिए, इस तरफ आपको एक और मिल जाएगा, ये लीजिए, ये हमारा सीस था, ये हमारा ट्रांस था, और यहां पर हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि सीस ज्यादा बन रहा है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी ट्रांसफर। देखो अब ध्यान से सुनो, एबिलिटी होती है अटैच ग्रुप की, तो यहाँ पे ग्रुप अटैच है। अब देखो जैसे बच्चा ये चारों NH3 थे, अब यहाँ पर सीएल ऐड करना था, कहीं पर भी ऐड कर दोगे, अभी तक तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, चारों के चारों सेम, अब कहीं पर भी ऐड कर देना। लेकिन अब कहानी समझो, आपको एक सीएल और ऐड करना है, ठीक है, अब इसमें देखो जो ये सीएल था ना, इसका ट्रांस इफेक्ट इन चारों NH3 से ज्यादा था। सीएल का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है NH3 से, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है NH3 से, तो सीएल ने अपने सामने वाली पोजीशन पे इसको ऐड कर दिया, ट्रांस कर दिया अपनी पोजीशन से ट्रांस, तो यहाँ पे ट्रांस किया तो ट्रांस प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन जाएगा, नाम हो ये ट्रांस डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है, वो भी बनेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम होगी। तो ये था ट्रांस इफेक्ट, कोई ग्रुप एड है, वो जो इनकमिंग लिगेंड ग्रुप आएगा उसको अपनी पोजीशन से ट्रांस में लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने यहां पर किया, PTCL4 था, अब देखिए यहां पे चार के चार क्लोरीन थे, एक NH3 हमने ऐड कर दिया। अब ये बात पता है कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है, तो देखिए अमोनिया तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ट्रांस वाला प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। अब इन दो क्लोरीन में से कोई भी एक रिप्लेस हो जाएगा अमोनिया के साथ, इसको रिप्लेस करोगे तो भी सिस बनना, इसको रिप्लेस करोगे तो भी सिस करना, तो यहाँ पे सिस ज्यादा बनेगा, ट्रांस की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। आया मेरे बच्चा पार्टी इफेक्ट समझ में, ट्रांसफर होता क्या है, अब तक जो यहाँ पर क्लोरीन है अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा ट्रांसफर शो करता है, तो वो ट्रांस पोजिशन में लेके जाएगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाए, बच्चा पार्टी को लास्ट में लाइनें बोली है उनको ध्यान से सुन लेना, मैंने जब ये दोबारा रिपीट किए वहां से एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ट्रांस अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे दोनों प्रोडक्ट हमारे बने हैं।
तो ये था लेक्चर पार्ट। यहाँ पर हमने ट्रांसफेक्ट में हमने मेथड ऑफ देखा कैसे बनेगा। अब एक सीरीज होती है ट्रांस डायरेक्टिव सीरीज, अभी बच्चा मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम ट्रांस डायरेक्टिव सीरीज भी अभी स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज की। अब ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 से 2 मार्क के अंदर हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगर नहीं भी आता तो भी आपको अगर व्हाट इज ट्रांसफेक्ट पूछता है और वो क्वेश्चन बड़ा है 4 से 5 नंबर में, तो आपको इस चीज वहां पर लिखनी पड़ेगी। है सिंपल सी, याद हो जाएगी। देखिए तरीका, अब बात सुनिए, जो हमारे लिखे है मैंने देखिए, इसका मुंह है, जो फेस है आगे की तरफ ओपन है, ये वाले जो मेरे 3 है जो मैंने अंडरलाइन की है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिट शो करते हैं। मैं सीरीज आपको याद भी करवा दूंगा देखे बिना देखे। अब पहले आपको याद रखना है वाटर के साथ H2O का और OH नेगेटिव। H2O तो सबसे वीकेस्ट ट्रांसमिट शो करेगा, सबसे कम, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा OH नेगेटिव का। तो दोनों याद कर लीजिए, वाटर और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव का यहाँ पे कोई काम नहीं। आपको याद करेगा तरीका बता देता हूं, याद रखिए वाटर, याद रखिए वाटर से आपने OH नेगेटिव बनाया, ये याद रखिए, तो याद हो जाएगा वाटर और OH। पहली ट्रांस सीरीज में सारी समझा रहा हूं मैंने, जिस तरीके से याद की है वही तरीका आपको बता रहा हूं। H2O से आप OH पे चले जाएंगे। उसके बाद आया अमोनिया। अब अमोनिया को कैसे याद रखोगे, अमोनिया से बनाना है प्राइमरी अमीन, ये लीजिए RNH2। वाटर से गए आप OH नेगेटिव के ऊपर, याद रह जाएगा। अमोनिया से आपने प्राइमरी अमीन RNH2 के भी याद रह जाएगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, क्लोरीन की प्रेजेंस में होगी। तो पहली लाइन हमें याद हो जाएगी, पहले 5 H2O OH नेगेटिव NH3 RNH2 और क्लोरीन, 5 हमें याद हो जाने चाहिए। मेरे बच्चा पार्टी यहां पर देख लीजिए, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज के पहले 5 एलिमेंट हमें याद हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी आपको सीधा याद रखना है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद हमारा आयोडीन आता है, लेकिन इनके बीच में कौन आ गया, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन आया, उनके बीच में आकर बैठ गया HCl नेगेटिव। अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना मेरे बच्चा पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप याद रखिए HCl नेगेटिव को, तो पहले 9 एलिमेंट बच्चा हमें याद हो गए, पहले 9 ग्रुप लिगेंड H2O OH नेगेटिव NH3 फिर प्राइमरी अमीन RNH2 और ऑर्गेनिक रिएक्शन क्लोरीन के अंदर होगी। उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ब्रोमीन आयोडीन के बीच में कौन आ गया, HCl नेगेटिव आ गया, हाइड्रोसाइनाइट आ गया, ठीक है। हो जाएगा और आपका पार्टी यहां दोनों से, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर, अब यहां पे क्या करें, नाइट्रेशन सल्फोनेशन याद रखिए, NO2 और SO3 याद रहेगा, NO2 है और इसके बाद आया SO3H9, ये याद रहेगा नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है SR2 के होते हुए फिनाइल ग्रुप के ऊपर C6H5-, अगले चारों देखिए, नाइट्रेशन में NO2 याद आएगा, NO2 नेगेटिव याद आएगा, सल्फोनेशन में जाओगे तो SO3H नेगेटिव याद आएगा, उसके बाद के दोनों है SR2 याद रखिए और उसके बाद फिनाइल पे आ जाइए सीधा। SR2 यानी SO2 है ना, वो याद रखिए, SR2 और C6H5- याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा लास्ट में हमारे बिल्कुल सिंपल है, CH3 है, CH3 नेगेटिव है, H नेगेटिव है, SR3 है, PR3, CH3, H नेगेटिव और PR3, और लास्ट में जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसमिट वाला होता है NOCO और CN, NOCO और CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसमिट होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले याद रखिए वाटर को, H2O को, H2O से आप आएंगे OH नेगेटिव पर, OH नेगेटिव आते ही आपको दिमाग में आएगा अमोनिया NH3, NH3 दिमाग में आते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि आपके पास RNH2 बनेगा, और उसके बाद रिएक्शन क्लोरीन के अंदर होगी, फिर आओगे आप क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से HCl नेगेटिव और HCl नेगेटिव से I नेगेटिव भी। उसके बाद आपको याद आएगा नाइट्रेशन NO2 नेगेटिव, फिर याद आएगा आपको सल्फोनेशन SO3H नेगेटिव, उसके बाद यह आपको याद आएगा SO2 गैस, SO2 से बनाओगे SR2 और SR2 बनते ही आपको याद आएगा C6H5 नेगेटिव, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी यहां पर सिंपल है ही,
सी एच थ्री नेगेटिव एच नेगेटिव क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है पी आर थ्री और एनओ सी ओ सी एच टू एच होते ही है। तो ये चीज मैंने पूछा था कि ट्रांस डायरेक्टिव सीरीज हमारा ट्रांस इफेक्ट का पहला क्वेश्चन इतना ही है। अब इसके अंदर बचती है सिंथेसिस और थ्योरीज की, वो मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिखिए कमेंट में हाँ सर हमें समझ में आया है, ऐसा थम्स अप भी आप बना सकते हो ताकि मुझे पता लग जाए आपने लेक्चर को अच्छे से देखा और आपको समझा। कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे बच्चा पार्टी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो गुड बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रांसफेक्ट को अच्छे से स्प्रे कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरी की करेंगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। गुड बाय एवरीवन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।